अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंकज कार्की पर एक लड़की ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित छात्र संघ अध्यक्ष कार्की के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार की शाम एक युवती ने तहरीर सौंपी। तहरीर में पीड़िता ने SSJ कैंपस के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंकज कार्की पर उसके साथ दुष्कर्म करने समेत अन्य कई आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित छात्र संघ अध्यक्ष पंकज कार्की के खिलाफ IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़िता मूल रूप से बागेश्वर जिले की रहने वाली है। पढ़ाई के लिए यहां जिला मुख्यालय में किराए पर रहती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि पीड़ित लड़की का मेडिकल करा लिया गया है। जल्द ही पीड़ित के बयान दर्ज कराए जाएंगे। मामले की विवेचना SI हेमा कार्की को सौंपी गई है। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहाड़ की दिनचर्या, खान पान, ताजी सब्जियां और भी पहाड़ी काम, इन सब को देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए वासु पहाड़ी YouTube चैनल को। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।